तो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल हमेशा से मेरी पहली मोहब्बत। आज तैमूर भाई कुछ बात कर रहे थे तो कट गई थी बात। भाई बात ये कर रहा था मैं कि तोते सस्ते हुए हैं, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है ये मैं थोड़ा बताऊंगा, लेकिन आप अपना थोड़ा सा तोते सस्ते हो गए। सस्ते? अच्छा, तोते सस्ते हो गए ना, यानी कि मार्केट गिरी हुई जिसको लोग कह रहे हैं तोते सस्ते हो गए। तो उसके ऊपर मैं एक कहानी बताना चाह रहा था, आप वैसे क्या कहते हो, फिर मैं बताता हूँ कहानी। देखो तोते ये अच्छी बात है बुरी बात है क्या समझ? नहीं नहीं ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तोते मेरे पास भी तो हैं। हाँ ना, तो देखें गाइस, गरीब लोग भी होते हैं, जाहिर सी बात है। पहले अल्बाइनो नहीं खरीद सकते थे, थोड़ा सा कम पैसों पे आ गया तो वो खरीद सकते हैं। यही बात मैं, और जहाँ तक रही बात कमाने की, कमाने वाले भाई कमाते हैं, ठीक है। ये बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, वो सस्ता हो गया, ये सस्ता हो गया। फिशर था 5,000 रुपए का फिशर उस जमाने में, जिस टाइम का 5,000 आज के 20,000 के बराबर है। वो देखें गिरा 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 गिरा, म्यूटेशन आ गई। आपकी म्यूटेशन गिरी 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 गिरी, एक और आ गई। सेल फेलो आ गया, डन फेलो आ गया, अब और फेलोज भी आ जाएंगे। तो कमाने वाला कमाता रहेगा, जो नीचे वाले पार्टीशन है ना उनको भाई लिक्विडिटी चाहिए। सही बात है, ये लिक्विडिटी है जो कीमत कम हो रही है। तो इससे घबराए ना, बल्कि लोग और एंटर होंगे। और दूसरी बात ये कि बर्ड जो है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गए। अब आप बताए देखें थोड़ा सा ना, मैं डिटेल में बात करूंगा। मैं आपको थोड़ा साइंस समझाने की कोशिश करता हूँ गाइस। आपको ये समझना है कि ये किस मैकेनिज्म पे ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा आप मुझे बताओ एहसन, इस वक्त जो ऑडियंस हमें देख रही है या हम यहाँ बैठे हुए, हम लोग जो तोतों की फील्ड में आए हैं वो क्यों आए हैं? क्या क्या वजह थी जो हम तोतों की फील्ड में आए, मतलब तोतों में आ गए? या चलो मैं इस सवाल को रिफ्रेश करता हूँ। एक बच्चा है, छोटा बच्चा, क्योंकि मैं तो बचपन में आया था ना तोतों में यार, मैं तो छोटा था ना। आप भी छोटे हो गए या आप डायरेक्ट बड़े थे? छोटे थे ना आप, छोटे थे। आप तोतों की फील्ड में क्यों आए थे या तोता आपने क्यों लिया था? शौक शौक शौक, समझ आई? अच्छा क्या जब आप छोटे थे आपने ये सोचा था मैं तोतों का बिजनेस करूंगा? नहीं नहीं मैंने नहीं सोचा। क्या आपने ये सोचा था कि तोतों की मार्केट गिर जाएगी या बढ़ जाएगी तो उससे मुझे फायदा होगा या मैं पैसे कमाऊंगा, ये सोचा था? नहीं नहीं मैंने नहीं सोचा। अच्छा पहली सोच क्या थी आपकी? पहली सोच थी यार मुझे शौक बहुत है इसका, तो जब बच्चे निकले तो मैंने कहा आओ बेचते। हाँ नहीं वो तो यार अल्लाह माफ करे यार, तुम तो यार अल्लाह माफ करे हर जगह पैसा घुसा दे हो यार। मैं मकसद सोच आप ये थी ना शौक। हाँ अच्छा मैं आपको थोड़ा सा आपके मुंह से ही उगलवाऊंगा और उस तरफ लेके जाऊंगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। जब आप छोटे थे, हाँ हाँ, जब आप मतलब बिल्कुल ही छोटे थे, आपने पेयर लिया होगा कोई ऐसे? कौन सा पेयर लिया था? मैंने लिया था बजरी का। बजरी का कौन सा? का बजरी का, अभी एक बजरी की बात करते हैं। पाइट 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 का लिया था, सही है। अच्छा पाइट का पेयर आपने जितने का भी लिया होगा, आप खैर इतने पुराने हो माशाल्लाह, 60 रुपए का लिया होगा आपने पेयर? नहीं नहीं 60 से ज्यादा का लिया था। मैंने लिया था 80 रुपए का पेयर। 80 रुपए का, अगर बहुत ज्यादा बता दिए भाई तुमने 60 और 80। हाँ तो मतलब एग्जैक्टली बता रहा हूँ ना, एग्जैक्टली बता रहा हूँ। अरे यार हद हो गई। अच्छा चलो आपने 80 का पेयर लिया बचपन में। जब आप बचपन में जाते थे मार्केट और आपके पास 80 रुपए होते होंगे मेरे पॉकेट मनी के या पापा ने दे दिए भाई, उस टाइम पे आपको याद होगा 10 रुपए मिलते थे खाने के लिए, स्कूल ले जाने के लिए। अच्छा हाँ, और पराठा अंडा अलग होता था, 10 रुपए मिलते थे बस। आज के बच्चे को आप 200 रुपए दे दो वो खुश नहीं हो रहा भाई। मुझे तो आठाने भी मिलते थे, मैं तो इतना पुराना हूँ अल्लाह माफ करे, मैं तो खुदाई में निकला था। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना पुराना हूँ भाई। हमें भी 10 रुपए मिलते थे यार, हम कौन से इतने पुराने। हाँ मतलब आप ना अपने आप को ना यंग साबित करने के पीछे लग रहे, तो मुझे बुड्ढा साबित करना चाहते हो आप। क्यों मतलब लोगों को बताना चाह रहे हो कि मैं आपसे ज्यादा एज में हूँ, क्यों ये साबित करना चाहते हो? नहीं मैंने तो कोई बात ही नहीं की। अच्छा भाई देखिए, तैमूर भाई बोलते भी खुले ना, यही जज यही यही जज यही वकील अपने यहाँ का दत्ता फावड़ है। अच्छा आपको याद होगा आप लालू के गए थे लेने पेयर? नहीं मैंने अपने घर के पास। चलो ठीक है, मैं आप अपनी अच्छा दुकान पे गए थे आप? हाँ दुकान पे। अच्छा लेकर गए थे साथ में? अबू लेकर गए थे, ठीक है। चीज दिलाने जैसे लेके जाते हैं बच्चों को, ऐसे ही ऐसे ही है। आज आपने पाइड का पेयर लिया था क्योंकि वो 80 रुपए का था। हाँ अच्छा उससे ऊपर की म्यूटेशन क्या चल रही थी? रेड आई। रेड आई आपका दिल चाहता था कि रेड आई ले लूं? हाँ बहुत, लेकिन क्यों नहीं लेते थे? पैसे नहीं थे मेरे पास। पैसे नहीं होते थे आपके पास? सही, महंगा था थोड़ा सा। और उससे महंगे क्या होते होंगे? पहलो उस वक्त था नहीं, वैसे पहलो नहीं था ना मेरे टाइम। अब मैं आपको समझाता हूँ, मैं थोड़ा सा अपनी स्टोरी बता रहा हूँ।
अच्छा मैंने भी जो शेयर लिया था ऐसे किसी के घर से जाके लिया था पहला, मैंने बताया भी आपके चैनल पर। अच्छा उसके बाद जब मुझे पता चला ना ये सादा बजरी है, तो सादा बजरी के बाद जब मैंने पता चला पाइड भी होता है, मुझे पता चला पाइड होता है, तो मैंने कहा यार पाइड मुझे पाइड चाहिए। अच्छा ये सब हमारे बचपन में हम क्यों लेना चाह रहे हैं पाइड, या बजरी खूबसूरत है या शौक शौक शौक, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक अच्छी नोटेशन आ जाए ना, यानी पाइड उससे अच्छा है बजरी से। अच्छा मेरे पास क्या नहीं है, पैसे पैसे नहीं, और मतलब मेरी सोच ये है कि यार वो महंगा है ऐसे ही, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, जब भी तो नहीं ले पा रहा ना, वरना तो मैं फौरन पहले बजरी ला लूँ, पहले क्या लूँ पाइड लूँ, सही है ना। अच्छा फिर मैं लालू खेत जाना शुरू हुआ इसका इसका, लालू खेत जाता था तो पता चलता था कि यार मैं पाइड और बजरी बेच रहा हूँ या रख रहा हूँ, उससे ऊपर की मोटेशन चल रही है वहाँ पे रेड आइज, सही नहीं ले पा रहा क्यों, क्योंकि दिमाग में क्या है पैसे ज्यादा, पैसे ज्यादा है नहीं ले पा रहा, बड़ा होता गया यार फिर थोड़े समझ में आई यार थोड़े पैसे आने लग गए, फिर पता है मैंने सालों बाद जाके रेड आइज लिए थे, सही मतलब यार मैंने सालों इंतजार करा कि मैं रेड आइज हूँ, आप बात समझ रहे हो मेरी, फिर मैंने सालों इंतजार करा फिर पहलो आ गया, हम तो गौर के ना कि हमने तो बजरी को परवान चढ़ते देखा ना, हमारे सामने नोटेशन आई है, मतलब ये सारी जो कार्रवाइयाँ होंगी ना इस वक्त जो बजरी खेल रहे सब हमारे सामने हुआ है, फिर फिंच आ गई, फिर फिंच के बाद ब्लैक चिप आ गई, लोगों ने फिंच ब्लैक चिप ली 30,000 की, पता है आपको, हाँ पता है मुझे, तो अब हम तो गरीब थे यार बच्चे थे, हमने कहा यार 30,000 कहाँ से लेंगे, सही बात ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ, अल्लाह का करना ऐसा हुआ 2-3-4 साल बाद ब्लैक चिप एकदम डाउन आ गए, 300 रुपये का पेयर, 30,000 का पेयर और 300 का पेयर हमारे सामने लोगों ने उड़ाई है, बोला भाई ये दाना इतना महंगा खा रही है 30,000 की लीजिए 300 पे आ गई। अच्छा जब आप सोचो कि मैं एज अ बचपन में एक शौकीन बच्चा, हाँ मैं ब्लैक चिप रखने का शौक रख रहा हूँ, अगर मिसाल दे रहा हूँ आपको, कितने की ब्लैक चिप थी 30,000 की, जब 300 की हुई तो मैंने तो ले ली ना, हाँ ऐसी है आप समझ रहे हो बात, यानी जो 30,000 वाली पिंच थी उस दौर में वो मुझे 300 की मिल गई, मेरा क्या पूरा हो गया, शौक पूरा हो गया ना, शौक पूरा। अच्छा जो बेसिक मकसद था ना मेरा इस फील्ड में आने का वो शौक ही था, सही बात, बिजनेस तो वो बने बाद में, ऐसा ही है ना भाई, इसका मतलब है कि आज अगर ब्लैक फेस जब आया था ना तो कोई 10 लाख रुपए का पेड़ था, ऐसे ही है ब्लैक फेस ब्लैक रिंग जो आज सस्ता होता जा रहा है, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं गरीब आदमी, आप जा रहे भाई का तो चैनल है माशाल्लाह से, भाई तो कमा रहा है लाखों करोड़ों रुपए, तो आप तो अफोर्ड कर लोगे लेकिन मैं नहीं कर सकता, तो मेरे लिए क्या है कि मैं जब ये सस्ता होगा ना तो मुझे दुख नहीं होगा, जाहिर है जो महंगा लगेगा उसको दुख होगा, सॉरी गाइस, लेकिन जो जो मेरे जैसा शौकीन है गरीब वो क्या करेगा, वो सस्ते में लेकर के अपना क्या पूरा करेगा, शौक पूरा करेगा। इसका मतलब ये है कि जो आप इसका बेसिक मैकेनिज्म समझो ना आप इसका, इस हॉबी का, वो ये है कि शौक पूरा होना चाहिए। अच्छा मैं एक और बात बताऊं भाई, आपने देखें अपनी तालीम को, जितने बच्चे देख रहे हैं अभी मेरी तरफ, अपनी तालीम को मुकम्मल करें, गलत तोते का कारोबार या परिंदों का कारोबार ये बहुत अच्छा है, लेकिन किसी भी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, तालीम ये तोते, ये जो आपके तोते हैं ना तालीम से बढ़ के नहीं है, याद रखना आप, ये आपको अगर कमा के दे सकते हैं तो आपको डुबो के भी रख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ठीक है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन हद से हद भी देखा जाए ना तो इतना नहीं है, आप धन फैलो तो भी काम करोगे ना, तब भी अगर आप अपनी स्ट्रगल को मैच करवाओगे तो भी वो मुआवजा नहीं हो सकता, ऐसा ही है ठीक है। आप अपनी पढ़ाई कभी ना छोड़ें, पढ़ाई का हर्ज ना आए आपसे, जितने माँ बाप देख रहे हैं अपने बच्चों पर नज़र रखें, उन बच्चों को एक लिमिटेड टाइम प्रोवाइड करें, पेरेंट्स के साथ जरूर बैठें, बच्चे भी बैठें बड़े भी बैठें, लेकिन यार घंटा दो घंटा अगर आपके पढ़ने वाले बच्चे खरीद फरोख में घुस गए ना अगर, तो वो फिर पैसों का चस्का लग जाता है, अच्छा लग जाता है, और वो चस्का होता है लिमिटेड टाइम के लिए, उसके बाद फिर वो सारी जिंदगी फैक्ट्रियों में धक्के खा रहे होते हैं, कोई रिक्शा चला रहा होता है, और फिर वो दूसरे को कहानी सुना रहा होता है कि यार मुझे भी ना परिंदों का शौक था। तालीम मुकम्मल करें, जॉब ना छोड़ें, घर का कोई कीमती सामान ना बेचें, बीवी का जेवर और किसी दोस्त से उधार ना, और ना जॉब छोड़ें, ना जॉब छोड़ें,
अपना काम करते रहे जो कर रहे हैं, इसको एज अ हॉबी स्टार्ट करें और इसको लिमिटेड टाइम दें। हाँ। ये नहीं कि पूरा दिन आप बैठे हैं। अब हमारा तो चैनल है इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, साइड बिजनेस के तौर पर चलाएं यार। हाँ। मेन स्ट्रीम प्राइमरी बिजनेस ना रखें, सेकेंडरी बिजनेस के तौर पर चलें, क्योंकि तोता है मर भी जाता है, मर भी जाता है, लाइव स्टॉक है, कोई भरोसा नहीं है। तो गाइस आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जा दीजिएगा, अल्लाह अल्लाह अकबर।